योगी सरकार में भी दलितों का उत्पीड़न जारी है। मामला ताजनगरी आगरा का है, जहां पर दबंगों ने दलितों को न सिर्फ पानी भरने से रोका बल्कि उनके बर्तन तक फेंक दिए। इतना ही नहीं, दलितों को पुलिस से शिकायत करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। आगरा के थाना पिनाहट के गांव सिकतरा में वाल्मीकि समाज के रामवीर और पप्पू का परिवार रहता है। इन परिवारों का आरोप है कि पास में ही मौजूद हैंडपंप से उनके परिवार की महिलाएं पानी भरने के लिए गई थी, तभी गांव के ही दबंगों ने उन्हें पानी भरने से रोक दिया और बर्तन उठाकर फेंक दिए। समस्या ये है कि मैं यहाँ आया, इन्होंने कई बार फोन किया कि ऐसी समस्या है, पानी नहीं भरने दिया था। जब मैं आज यहाँ आकर के मैंने पंचायत लगाई, पंचायत में जानकारी पड़ी कि ये लोग छुआछूत के कारण पानी नहीं भरने देते। जो हेडपम्प आए हैं, उन हेडपम्पों में भी इन्होंने सरकार अपनी सबमर्सिबल डाल रखी है, जो नाजायज है। सरकारी विद्यालय क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालय दो कदम की दूरी पर है, जहाँ ये पानी भरने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुरंत इसमें ताला डाल दिया जाता है ताकि ये लोग पानी नहीं भरने दिया पानी नहीं भरें पर है। और एक किलोमीटर मामले में कुछ अधिकारियों से कहती है गया। हाँ, मैंने अभी SDM साहब से मेरी वार्तालाप हो चुकी है। इस सिलसिले में SDM साहब ने कहा कि हम इस बार कार्रवाई करेंगे, जाँच करेंगे। आपकी क्या पद पोस्ट है? मेरी एक व्यवस्था है कि अगर SDM साहब या प्रशासन कार्य नहीं करता है तो विश्व वाल्मीकि धर्म परिषद, जिसका मैं प्रमुख अध्यक्ष हूँ, पूर्ण वाल्मीकि समुदाय के लोगों को लेकर के आंदोलन करूंगा। जिस तरह से छुआछूत लेकर के पानी नहीं भरने देते और गलत कमेंट करते हैं कि भंगड़ो तुम पानी नहीं भर सकते, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी जगह कहाँ है? सरकारी हेडपम्प और कुछ नहीं, व्यवस्था पानी की है ना सरकारी? अच्छा, कोई सरकारी हेडपम्प लगी हुई है? इसकी कंप्लेंट नहीं की अधिकारियों से? TV100 के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट।